चलो आओ भाई, मैं अपने गार्डन की थोड़ी थोड़ी सैर करानी शुरू कर देती हूँ। छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी मैं। ये तो नीम का पानी तैयार कराया था, इसका मैं बाद में बनाऊंगी। ये मैंने सोर्स डाल रखे कैसे नीम भिगोए हैं। और ये मनी प्लांट है, ये सूख गई थी, हरी हो गया बिल्कुल, बड़े पत्तों वाले, बड़े बड़े पत्ते निकलेंगे अब इसके। और ये है लंबे वाली गियाँ, ये लंबी गियाँ हैं, छोटी छोटी हैं, अभी बड़ी होंगी तब ये भी दिखाऊंगी मैं, आप दो चार दिन में हो जाएंगी। ये है अंगूर की बेल, अंगूर हमने बहुत तोड़े हैं इनके, ये देखो ये लटकन लग रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं डालती थी, इनके नहीं दिखा पाई मैं अंगूर, अब नहीं है, इनके फिनिश हो गए। और अब ये मैं दिखाती हूँ गोल वाले गियाँ। अब बाहर की साइड मैंने बेल तैयार करके ऊपर चढ़ा रखी हैं, ऊपर बहुत सारी फैलने के बाद इनके बहुत फ्रूट आता है। गियाँ गियाँ लगी हुई हैं, सुबह मैंने घूमते टाइम देखी तो अब इसे लड़के को ऊपर से चढ़ाया है। और अब मैं आपको गियाँ दिखाती हूँ, गियाँ एक तो चुड़वाऊँगी थोड़ी सी, ठीक है वो तो, और छोटे वाली कल या परसों तक तैयार हो जाएंगी। ये देखो ये रही, अब मैं इसको बोलती हूँ छोटे वाली और आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो छोटी छोटी तो बहुत ही लग रही हैं, ये देखो ज़्यादा छोटी नहीं है, अच्छी सी हैं, गोल गोल टमाटर से बड़ी बनी हुई हैं, कल या परसों तक सारी तैयार हो जाएंगी। ये देखो ये भी बड़ी सारी हो रही है। अब ये एक मैं इससे ऊपर से उतरवा लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरी अच्छी तरह दिखाऊंगी। और गियाँ तो देखो भाई देसी घी जैसी हमारी, बिल्कुल हम हर साल खाते हैं, देसी घी से भी अच्छी स्वाद लगती है। देसी घी तो 1000 रुपये का आता है और ये तो गियाँ तो फ्री में तैयार होती हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, खुदाई डुलाई तो वो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, अलग से हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये देखो, और एक आधी इसके बीच में रह जाएगी तो बीज भी तैयार अपने आप ही हो जाते हैं, इनके बीज के भी नहीं। ये बाहर कीचड़ था इसलिए मैंने जूते डाल गई थी, अब चप्पल डाल के अंदर जाके आपको दिखाती हूँ किचन में। अब पहले तो मैं इसको धोऊँगी, धो के फिर मैं आप लोगों को काट के दिखाऊँगी कितनी वाव है, और 4 जनों की सब्ज़ी बन जाएगी आराम से। ये देखो बिल्कुल कच्ची, ऊपर रखते ही तैयार हो जाएगी, गैस पे रखते ही। और ये भिंडी, अमरूद, नींबू, ये हर रोज़ तोड़ते रहते हैं, इनका मैं क्या दिखाऊँ, कहोगे आंटी हर रोज़ यही चीज़ें दिखाते रहते हो। थैंक यू।